वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन एंड ट्रेवल में आपका सेहरामऊ स्टेशन से बहुत बहुत स्वागत है। आज विशेष कवरेज हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, जिसे भेजा है निरंकार शर्मा ने। निरंकार भाई, वीडियो भेजने के लिए धन्यवाद। आज सेहरामऊ स्टेशन पर सांकेतिक धरना दिया गया। यहाँ पर तराई विकास मोर्चा, जैसा आप सब जानते हैं, मैलानी से आगे शागढ़ तक का जो सेक्शन है इज्जत नगर मंडल में, वहाँ पर CRS निरीक्षण तो हो गया था ट्रैक का, लेकिन रेलगाड़ियों का संचालन नहीं हो पाया शुरू, क्योंकि पूरनपुर स्टेशन की जो बिल्डिंग थी, मुख्य बिल्डिंग, उसको तोड़ने का काम तब शुरू किया गया जब सेक्शन कम्प्लीट हो गया शागढ़ तक और उसका CRS निरीक्षण हो गया। पूरनपुर की स्टेशन बिल्डिंग जब अमान परिवर्तन का कार्य शुरू हुआ था उसी समय बनानी चाहिए थी, जिससे रेलगाड़ियों के संचालन में बहुत विलंब हो गया और अब स्थानीय लोगों में, साथ साथ यहाँ के जो व्यापारी हैं, सभी में बहुत रोष व्याप्त है। रेल प्रशासन के विरुद्ध सब खड़े हो रहे हैं, लामबंद हो रहे हैं। ये सेहरामऊ स्टेशन के विजुअल्स हैं जो आप देख सकते हैं। आज सुबह के कड़ी गर्मी में, तेज़ तपती सूरज की दोपहरिया में, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर स्थानीय लोग इकट्ठा हुए। लोकल मीडिया भी यहाँ पर मौजूद था और यहाँ पर जो इसके संयोजक हैं सच्चिदानंद वर्मा जी और अर्चना वर्मा जी, जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रही हैं, तो यहाँ पर सभी स्थानीय लोगों ने आकर के जो धरना दिया, रेलवे के खिलाफ आवाज़ उठाई और उनकी मांग है कि इस रूट पर अब मैलानी से आगे जल्द से जल्द रेलगाड़ियों का विस्तार किया जाए, क्योंकि यहाँ से लखनऊ विशेषकर जाना होता है तमाम लोगों को इलाज के लिए, मेडिकल कॉलेज या PGI, SGPGI, तो बहुत दिक्कत हो रही है, व्यापारियों को बहुत दिक्कत हो रही है। और पूरनपुर तक जो तमाम व्यापारी हैं, पूरनपुर में गुड्स साइडिंग भी बनाई गई है, वहाँ तक मालगाड़ियाँ भी नहीं शुरू हुई। तो आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ पर जो ये धरना दे रहे हैं लोग, इनकी क्या मांगे हैं, क्या बात ये बता रहे हैं, उसको भी सुनते हैं। तो जैसा आप सुन सकते हैं, लोग नारे लगा रहे हैं ट्रेन चलाओ ट्रेन चलाओ, क्योंकि ट्रेन ना चल पाने से मैलानी तक, जैसा आप सब जानते हैं, रेलगाड़ियां आ रही हैं, वहां भी लोगों की अब तकलीफ़ ये है कि जो ट्रेन लखनऊ जंक्शन तक कम से कम जानी चाहिए थी या ऐशबाग तक एटलीस्ट, वो भी अब डालीगंज तक कर दी है, जहाँ से आगे जाने की कोई सवारी गाड़ी नहीं मिलती है। लोगों को बहुत दिक्कत आती है लखनऊ पहुंच कर के भी, वहां से भी लोगों की मांग है कम से कम ट्रेन लखनऊ जंक्शन तक चलानी चाहिए थी। अच्छी खासी ट्रेन लखनऊ जंक्शन तक चल रही थी, लोगों को आराम था, लंबी दूरी की रेलगाड़ी मिल जाती थी। पता नहीं रेलवे को क्या सूझा कि उन्होंने उसको डालीगंज पे टर्मिनेट करना शुरू कर दिया। तो आइए सुनते हैं लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर। ट्रेन बंद हुई, 5 साल हो गए इंतज़ार करते करते, इंतज़ार घड़ियाँ ख़त्म हो गई, जब एकदम फिर से पानी ऊपर हो गया तो फिर क्या करें। ट्रेन चलाने की मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जब ट्रेन बंद हुई थी तब ये कहा गया था अमान प्रदर्शन का काम 2-3 साल में पूरा हो जाएगा, और खास बात यह है कि सागढ़ तक पूरा भी हो गया, कई बार जांच हो चुकी, CRS भी हो चुकी, सब कुछ हो गया, लेकिन रेल विभाग नहीं जाग रहा। अब उन्होंने एक बहाना बना दिया कि माला जंगल में कहीं कुछ अधूरा काम है, क्या है। तो ये रेल विभाग की जिम्मेदारी है, अगर माला तक अभी नहीं चला पा रहे, कोई वाणी पीली तक नहीं चला पा रहे हैं, तब तक सागढ़ तक चला दें। जो ट्रेन हमारी मैलानी खड़ी होती है उस ट्रेन को 1 घंटा पहले सागढ़ खड़ी कर दें, जिससे क्षेत्र के व्यापारियों को, आम जनता को, गरीबों को पूर्णपुर तक, या यहाँ से हमको माननी होगी जिसे मिलना हो, हम गोरखपुर तक, लखनऊ तक इलाज कराने के लिए हमारे क्षेत्र के लोग जा सकते हैं। इस क्षेत्र से हम लंबे समय तक जिला पंचायत, इसको लेकर किसी रेल विभाग के अधिकारी को ज्ञापन दिया गया है क्या? हाँ, रेल विभाग को हमने पहले ज्ञापन भेजा था, आज भी देंगे, पहले भी भेज चुके हैं, आज भी देंगे। इसको ज्ञापन दिया जाएगा आज माननीय रेल मंत्री जी को प्लस मंडल रेल। क्या क्या मांगे हैं सबकी? मांग सबकी यही है, शीघ्र शीघ्र मैलानी से लेकर पीलीभीत तक का जो कार्य पूर्ण है वो पूरा किया जाए। तब तक मैलानी से लेकर सागढ़ तक जो काम पूरा है उसको शीघ्र ट्रेन चलाए। तो इनकी ये मांग है कि जब तक पीलीभीत तक कार्य पूरा हो और पीलीभीत जुड़े, माला में काफ़ी काम बाकी है, तब तक रेलगाड़ियां जो मैलानी तक आ रही हैं उनका विस्तार सागढ़ तक करना चाहिए, पूरनपुर तक एक्सप्रेस ट्रेन आगे आए, जिससे कि गोरखपुर और लखनऊ सहित तमाम जो और अन्य शहर हैं वहां के लिए लखनऊ जाकर के ट्रेन पकड़ने में लोगों को सुविधा हो। तो अब लोग इस बात पर देखिए धरना देना शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे जो पब्लिक है अब इकट्ठा हो
रही है और चुनावी वर्ष है ये 2024 में लोकसभा के चुनाव भी है जैसा आप सब जानते हैं। तो चुनावी वर्ष में देखना होगा कि मैलानी से आगे शागर तक इज्जत नगर मंडल कब तक रेलगाड़ियों का विस्तार कर पाता है, क्योंकि जनता में गुस्सा बहुत है। ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट बहुत डिले हो गया है और अभी माला का जिस प्रकार से कार्य बाकी है पीलीभीत में, 2024 बहुत आराम से आ जाएगा। तो ये था एक अपडेट।